गोड्डा स्थित गंगटा बजरंगबली के पास आज नगर परिषद के अध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी पहुंचकर वार्ड विकास केंद्र के लिए जमीन की मापी कराई गई। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि 3 वार्ड को लेकर जहां पर वार्ड विकास केंद्र बनेगा, जिससे कि वार्ड के विकास को लेकर बैठक होगी, वहीं उसी को लेकर जमीन की मापी की जा रही है। निर्माण कार्य किस चीज का सर? निर्माण प्रस्तावित है वार्ड विकास केंद्र का। सर इसका क्या यूज होगा लोगों के लिए? वार्ड विकास जैसे पंचायत में पंचायत सचिवालय होता है, इसी तरह हर एक वार्डों में, अभी तो मात्र कुछ ही वार्डों में हो सकेगा जैसे सरकार का आवंटन आया, तो हम लोग क्लब करके 2-3 वार्डों को मिला करके एक ही वार्ड विकास केंद्र अपना सोच रहे हैं। वो उसमें सारी गतिविधियाँ होंगी जो कि वार्ड मेंबर जो है यहाँ पर रह करके कर सकते हैं। जितना भी सरकारी काम होगा या काम सौंपा उन्हें जाएगा तो यहाँ रह करके कर सकते हैं। अभी तक सर गोड्डा जिला में मतलब गोड्डा नगर में कितना बना है? वर्तमान में वार्ड विकास केंद्र जो फाइनल हो चुका है वो बूढ़ी में एक है और एक निर्माणाधीन है और एक का शिलान्यास होना है, दूसरा की देखी जा रही है, जमीन की देखी जा रही है। बैथल मिशन स्कूल गोड्डा के द्वारा अन्ना मार्क को एशिया का सर्वोत्तम प्रिंसिपल अवार्ड 2020-21 से सम्मानित होने के लिए हार्दिक बधाई दी गई। यह सम्मान हमिंगबर्ड एजुकेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड में उत्कृष्ट शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है, साथ ही उन्होंने लगातार सहयोग के लिए सभी विद्यार्थियों एवं माता पिता, अभिभावकों और शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा है और भविष्य में और अच्छा करने के लिए आशा व्यक्त की है। गोड्डा में बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ऐसी तस्वीर हरिपुर गांव की दिखी जा रही है, जहां प्रशासन के नाक के नीचे से बालू की अवैध ढुलाई की जा रही है। ये ट्रैक्टर गांव के बीच से हाई स्पीड में निकलती है, जिससे गांव वालों को हमेशा किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। आज 28/11/2020 को हरिदेव रेफरल अस्पताल ठाकुर गंगटी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा फाइलेरिया रोगी यानी कि हाथी पांव के लिए मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट किट बांटा गया, जिसमें टब, मग, तोलिया, साबुन, पाउडर एवं मरहम दिया गया और इसके उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया, ताकि फाइलेरिया बीमारी पर रोकथाम किया जा सके। इस अवसर पर वेक्टर बर्न डिजीज सुपरवाइजर के TS रतन कुमार, प्रधान लिपिक विनय कुमार एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत आज दिनांक 28/11/2020 को गोड्डा जिला अंतर्गत 16 पुड़ैयाहाट, 17 गोड्डा एवं 18 महागामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर स्पेशल कैंप के आयोजन किया गया। इस दौरान सभी मतदान केंद्र पर संबंधित BLO सभी आवश्यक पत्रों के साथ उपस्थित थे। जिला पुलिस विज्ञापन संख्या 4/2015 का द्वितीय मेधा सूची जारी कराने को लेकर 30/2020 को मोराबादी में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 5 साल से अभ्यर्थी पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक नियुक्ति पूरा कराने को लेकर लगातार सरकार तक अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक मेधा सूची जारी नहीं हुई। वहीं पुलिस बनने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बीते 5 सालों से 2000 से अधिक अभ्यर्थी नौकरी के इंतजार में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन अब तक बहाली नहीं हुई है। नौकरी के इंतजार में अब उम्र की समय सीमा भी समाप्त होने वाली है। आरक्षी बहाली के अभ्यर्थी ने बताया कि साल 2015 में 7272 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। जनवरी 2016 में प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। सितंबर 2016 में मेंस परीक्षा आयोजित किया गया था। वहीं परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल, फिजिकल और डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन किया जा चुका है। प्रजापति कुमार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र महतो के निधन 5/11/2020 को हो गया। आज दिनांक 28/11/2020 को एक शोक सभा का आयोजन महर्षि में ही आदर्श पब्लिक स्कूल गोड्डा में किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए मन व्रत करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। 29/11/2020 को स्थानीय विवाह भवन गौढ़ी में एक दिवसीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता के दौरान गोड्डा जिला योग संघ के कार्यकारिणी की बैठक भी रखी गई है। इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड युवक संघ के अमरेंद्र कुमार, विकल कोषाध्यक्ष झारखंड योग संघ तथा सरपंच साहू संयुक्त सचिव झारखंड युवक संघ शामिल हो रहे हैं। इसकी जानकारी गुंजन कुमार झा ने दी है। वहीं गोड्डा में पहली बार योग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है।
लोक जनशक्ति पार्टी के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर गोड्डा स्थित लोजप्पा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गोड्डा जिले के लोजप्पा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में स्वर्गीय रामविलास पासवान को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके पश्चात लोजप्पा के प्रदेश महासचिव सह संथाल परगना प्रभारी जवाहरलाल यादव ने केक काटकर पार्टी के 20वें स्थापना दिवस को मनाया। आज मन एक तरफ काफी प्रफुल्लित है, दूसरी तरफ अपने अभिभावक का न होना बहुत अफसोस भी है कि आज पहली बार है जो यह स्थापना दिवस आदरणीय राजनीति के पुरोधा इस देश के राजनीति क्षेत्र के तथागत और हमारे अभिभावक श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच नहीं। हम अपने दिल के गहराइयों से हम उन्हें याद करते हैं कि वह महान आत्मा जहां भी विचलित करता होगा, जहां भी होगा, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं इसकी आत्मा को शांति दे। और भले ही आज शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से छाया के रूप में कहीं न कहीं है। तभी तो आज इतना शक्ति मिल रहा है, तभी तो आज काम करने का इतना हौसला बढ़ रहा है। वो प्रत्येक सभा में वो कहा करते थे, जब पर्सनल हम लोग बैठते थे, एक बार नहीं लगभग सैकड़ों बार एक साथ बैठ करके नाश्ता और चाय लिए होंगे, वह कहते थे कि बेटा जिस पार्टी का तुम कार्यकर्ता हो, जिस पार्टी का सिपाही हो, वो डरने की जरूरत नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं।